फ्रेंड्स, वीक 9 के लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम OTEC के बारे में पढ़ेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके OTEC के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, इसके चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि बेसिकली जो सी वाटर होता है तो उसमें स्टार्टिंग के फ्यू मीटर्स, सपोज 20 मीटर्स, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, मीन्स यहाँ पे वार्म वाटर होती है, तो लगभग टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस वही 1 किलोमीटर अंदर ये जो पानी होता है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, सपोज 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके हम हीट इंजन को रन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म वाटर एट द सरफेस एंड कोल्डर वाटर अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर बिलो द सरफेस इज यूज टू रन अ हीट इंजन एंड एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम। सेकेंड पॉइंट है कि जो टेम्परेचर डिफरेंट होता है उसका ऑर्डर होता है 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम सी वाटर के थर्मल प्रोफाइल को देखें तो जो सनलाइट होता है वो सी में 20 मीटर ही अंदर जा पाता है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 20 मीटर वाटर होता है वही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक। इसीलिए जो स्टार्टिंग के 20 मीटर्स होते हैं वो वाटर गर्म होता है, उसके नीचे से पानी काफ़ी ठंडा होता है। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं कि पोल्स में क्या होता है कि सरफेस का जो वाटर होता है वो फ्रीज्ड होता है, मीन्स जीरो से कम उसका टेम्परेचर होता है, और एक एक्सट्रीम है पर्शियन गल्फ में जो वाटर का जो सरफेस होता है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाउ जो टॉप वाटर होता है सी में वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है क्योंकि सनलाइट इस पे सनलाइट के इंटरेक्शन और विंड के इंटरेक्शन की वजह से जो टॉप कुछ मीटर्स होते हैं, फ्यू हंड्रेड मीटर्स, वो जो वाटर होता है काफ़ी मिक्सिंग उसमें चल रही होती है और काफ़ी उसमें डिस्टर्बेंस चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मिक्सिंग वाला है, मिक्सिंग वाला वाटर है और उसके नीचे अनडिस्टर्ब्ड वाटर है, ठीक। ये जो मिक्सिंग है फ्यू मीटर्स का, फ्यू हंड्रेड मीटर्स का, उसके नीचे बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड वाटर है जहाँ पे बिल्कुल भी मिक्सिंग, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसके बीच का जो फ्यू मीटर्स का जो बाउंड्री है उसको हम थर्मोक्लीन बोलते हैं, ठीक है। क्या है बाउंड्री ऑफ ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स बिटवीन मिक्स्ड लेयर एंड अनडिस्टर्ब्ड वाटर लेयर इज कॉल्ड थर्मोक्लीन, ठीक। तो जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है, जो 90% सी वाटर होता है वो थर्मोक्लीन के नीचे होता है और उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। अब ये सी के अंदर जो काम करना है वो चैलेंजिंग क्यों है उसका हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि जो डीपेस्ट सी लेवल है वर्ल्ड में वो है मरीना ट्रेंच, जो कि 11 किलोमीटर डीप है। वो अभी तक सिर्फ 3 लोग वहाँ पे जा चुके हैं, बट वहीं अगर मून देखें जो ये 384,000 किलोमीटर है वो 12 पीपल लोग विजिट कर पाए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस इससे कितना ज़्यादा है, बट फिर भी 12 लोग यहाँ पे जा चुके हैं, बट यहाँ पे 3 लोग ही जा चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, ये नहीं है कि ये मून पे जाना इजी है, ये भी जो इसका इस स्पेस क्राफ्ट जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी टफ है। बट इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये 11 किलोमीटर डीप होने के बावजूद भी ये यहाँ पे जाना इतना चैलेंजिंग है यहाँ से जाने से, तो जो रीज़न है वो प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फर्स्ट वाला काफ़ी मुश्किल है सेकेंड वाले से, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है कि जो यहाँ पर टॉप है 36 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस पे टेम्परेचर होता है एंड देन वो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और 1 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके नीचे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्यों ये टफ है इससे। तो अर्थ और स्पेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो 1 एटमॉस्फेयर का होता है, ठीक है। तो जो भी स्पेस क्राफ्ट होता है, सपोज ये स्पेस क्राफ्ट है, तो इसके बाहर का स्पेस में बाहर का जो प्रेशर है वो
जीरो एटीएम है और अंदर का प्रेशर 1 एटीएम है, तो ये जो बाउंड्री है प्रेशर डिफरेंस है वो 1 एटीएम का होता है। बट सी में क्या होता है कि हर 10 मीटर हम अंदर जाते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम वो एग्जांपल देखें 11 किलोमीटर का, अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 11,000 मीटर हो जाएगा। तो हर 10 मीटर में 1 एटीएम प्रेशर बढ़ रहा है, तो 11,000 मीटर में कितना हो जाएगा, 1,100 एटीएम प्रेशर। ये जो प्रेशर है वो एक्सट्रीमली ज़्यादा है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि पानी के अंदर काम करना चैलेंजिंग मुश्किल होता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो हमें पता है कि जो जो अर्थ एनर्जी कैप्चर करता है, सोलर एनर्जी, वो 175 पीटावाट होता है, ठीक। यहाँ पे ओटीसी लगा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि स्टार्टिंग और 20 मीटर का जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, वार्मर वाटर होता है। तो हम ओटीसी में ये जो वार्म वाटर है उसको हम ले लेते हैं, एंड इसके डीप 1 किलोमीटर डीप से जो कोल्डर वाटर है, सपोज इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको ले लेते हैं। और इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हम यूज करते हैं ये टरबाइन को हीट इंजन को रन करने के लिए, और हीट इंजन से जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। बट अगर इसकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो जो इसकी इफिशियंसी होती है वो 1 - T2/T1 है, जो इसका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो फर्स्ट टेम्परेचर 5 है, सेकंड जो टेम्परेचर है मतलब फर्स्ट 25 है एंड T2 5 है, तो ये केल्विन में है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए हम 273 से इसको ऐड किए हैं। तो ये जो थियोरेटिकल इफिशियंसी आता है वो 6.7% आती है, इतना भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिकली हम 3% अचीव कर पाते हैं। तो देखने में लगता है कि ये 3% है, ये काफ़ी कम इफिशियंसी है। बट इसमें क्या होता है कि ये इसको हार्नेस करना इतना ईजी है, और ये सी वाटर इतने ज़्यादा अवेलेबल है कि ये काफ़ी सही रहता है। और इससे क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, तो हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि जो हमने ये कोल्ड वाटर लिया है उसका यूज़ हम एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हम इसका यूज, हमारा प्राइमरी पर्पस तो यही है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो कोल्ड वाटर है उसको मैरीकल्चर, जो फिशिंग एरिया है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जनरली इसका जो आउटपुट होता है वो डीसैलिनेटेड वाटर होता है, मीन्स इसमें सॉल्ट नहीं होता है वाटर में, सी वाटर में। तो जब सॉल्ट नहीं होता है आउटपुट में, जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है वाटर, इसमें सॉल्ट नहीं होता है, तो ये हम ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए या फिर इरिगेशन के लिए भी इसका, इस पानी का यूज कर सकते हैं। तो जनरली दो तरीके से टरबाइन को हम रन करते हैं, एक ओपन साइकिल होता है, क्लोज साइकिल होता है। ओपन साइकिल में क्या होता है कि जो भी सी का ऊपर का गर्म जो वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं कि लो प्रेशर पे उसको इवेपोरेट करते हैं उस वाटर को, एंड देन क्या करते हैं उस जो स्टीम होती है उसको उसका यूज करके हम टरबाइन को रन कराते हैं, और फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। और इसका जो आउटपुट आता है वो डीसैलिनेटेड वाटर आता है, ठीक है, कि उसमें सॉल्ट नहीं होता है। वहीं जो क्लोज साइकिल है तो इसमें हम जो भी हीटेड वाटर होता है इसको डायरेक्टली हम इसका यूज टरबाइन रन करने के लिए नहीं करते हैं, हम कुछ ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, जैसे अमोनिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये हीटेड वाटर है इस हीट का यूज करते हैं हम इस प्रोडक्ट को बॉयल करने के लिए, और ये जो बॉइलिंग जो भी प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं हम फिर टरबाइन को रन करने के लिए, ठीक। उसके बाद ये जो भी कोल्ड वाटर होता है उसको हम कंडेंस कर देते हैं, ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट होता है उसको कंडेंस करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि जो भी ओटीसी है वो ऑलमोस्ट ऑल कोस्टल रीजन में अवेलेबल है, ठीक। इसको ऑफ शोर भी हम सेटअप कर सकते हैं, मीन्स शिप में कहीं डीप ओशन के अंदर, फिर बट इसकी इफिशियंसीज लो है, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली हार्नेस करने के लिए हमें सी पे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, तो इन स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करेंट्स, ये एक फैक्टर है एड्रेस करने के लिए, ठीक है। लेक्चर टू स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी को टैप करने के प्रिंसिपल के बारे में और इसके चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में। तो सपोज ये सन है, ये अर्थ है, तो सन से रेडिएशन आता है अर्थ पे, और ये जो सोलर रेडिएशन है इसी से हमें पता है कि विंड जनरेट होती है, तो इसका यूज करते हैं हम विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए। फोटोवोल्टाइक का यूज करते हैं डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इसी से वाटर गर्म होता है तो OTEC में हम इसका यूज करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी एनर्जी देखे हैं वो सारे आउटर मतलब अर्थ से बाहर से हम बाहर से आ रहे हैं। सपोज ये रेडिएशन अगर ले लें जो हमने पढ़ा है अब तक, वो अर्थ के बाहर है, बट यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी है वो अर्थ के अंदर का जो हीट है उसको हम हार्नेस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या फिर कोई और पर्पज़ को अपने पूरा करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो उससे पहले हम अर्थ के क्रॉस सेक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये डेप्थ, थिकनेस और टेम्परेचर, इनका ये जो भी पार्ट्स हैं उनका इम्पॉर्टेंट है। तो जो अपर पार्ट होता है वो क्रस्ट, उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड देन इनर कोर, ठीक। इसका जो डेप्थ होता है वो क्रस्ट का 30, 750, 2920, 5180 एंड 6400, थिकनेस और ये टेम्परेचर होता है। यहाँ पे ये है कि कोर का टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड देन ये 0 to 700 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि किस किस पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो जनरली कोर में आयरन, निकल एंड नोबल मेटल्स होते हैं, मेंटल में सल्फाइड एंड ऑक्साइड रिच होते हैं मेंटल, और जो क्रस्ट होता है वो मेनली ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जब हम इनर कोर, आउटर कोर या फिर कहीं मेंटल तक भी या फिर क्रस्ट के अंदर भी अगर हम कभी मेनली हम 12 किलोमीटर के अंदर कभी हम गए ही नहीं हैं, तो हमें ये कैसे पता चला कि इसका डेप्थ कितना है, थिकनेस कितना है और टेम्परेचर कितना है। तो इसके वेरियस इनडायरेक्ट वेज हैं इसको फाइंड करने का, उसको देखते हैं। तो ये है कंपोजिशन ऑफ अर्थ डिटरमाइंड फॉर्म। तो जो भी अर्थ का कंपोजिशन है वो हमें कैसे पता चलता है, तो फर्स्ट है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम इनसाइड अर्थ। इनसाइड अर्थ से हीट का जो फ्लो होता है, जैसे वोल्केनोज है, वोल्केनोज आती हैं, तो उसके हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है और वो कितने डिस्टेंस नीचे से आया हुआ है, उसका टेम्परेचर क्या है। इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ अंदर काफ़ी मतलब जो अपर जो है क्रस्ट उससे तो टेम्परेचर हाई ही होगा, ठीक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सरफेस मेटल एंड रॉक्स हैं उनका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि कोर मेंटल में टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई होता है। फिर ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से हमें पता चलता है कि जो अर्थ का कोर होता है वो बहुत ही हॉट होगा, वो किसी मैग्नेट की तरह काम करता होगा। एंड नाउ जो भी अर्थक्वेक में जो भी पाथ ट्रेवल करता है अर्थक्वेक वेव, उसे भी हम पता कर सकते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है, कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स को पास होके गया होगा अर्थक्वेक, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कंपोजिशन क्या है। तो प्रिंसिपल क्या है जियोथर्मल एनर्जी यूसेज का, कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर अंदर जाते हैं हम अर्थ के तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, फिर 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो फिर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो जनरली ये इसके बीच में होता है, बट नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में क्या होता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेडियंट होता है, बट वही अगर क्लोजर टू इक्वेटर देखें तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर कॉमन यूसेज हम देखते हैं तो वो 150 से 200 मीटर तक हम ड्रिल करते हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, बट अगर इतना जाएंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम इंक्रीज होगा। तो इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं एक्चुअली हार्नेस करने के लिए, इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जो ऑयल इंडस्ट्री में जो ड्रिलिंग होती है 5000 to 10000 मीटर्स में, तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो भी बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसका हम यूज कर सकते हैं एक्चुअली वाटर को बॉयल करने के लिए, और जो स्टीम है उस स्टीम का यूज करके टरबाइन को रन करने के लिए। तो बेसिकली अगर 100 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रगल करते हैं, मतलब यहाँ पे इनका ब्रेक होने का खतरा रहता है। नाउ जो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स एक्चुअली अर्थ में वो मतलब एरिया होता है जिसका डेप्थ तो कम होता है बट वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। तो ये हमें हाई टेम्परेचर एक्सेस करने के लिए इनेबल करता है। यहाँ पे डीपेस्ट स्पॉट देख लेते हैं ओशंस में। तो ये हमने पढ़ा है कि मरीना ट्रेंच है जो कि जापान के पास में 11 किलोमीटर डीप है। वही माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो 8.9 किलोमीटर है। मतलब कि ये जो डीपनेस है इस पॉइंट का, मरीना ट्रेंच का, वो हाइट ऑफ एवरेस्ट से ज़्यादा डीप है, ठीक। उसके बाद अगर लैंड्स में हम डीपेस्ट स्पॉट देखें तो वो ड्रिल होल है सोवियत पेनिनसुला ऑफ कोला में, जो कि 12 किलोमीटर डीप है। उसके बाद ये डीप वाटर होराइजन है यूएस में, जो कि 10.5 किलोमीटर डीप है, ये ओशन में है। वही ये सेकेटलिन वन है जो कि रसिया में लैंड में 20.3 किलोमीटर डीप है, ठीक। और जनरली इसका जो एंटिसिपेटेड लाइफ टाइम होता है, जितना लाइफ टाइम हम मानते हैं जियोथर्मल एनर्जी का, वो 30 ईयर्स के आसपास हम लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इस लेक्चर का कि हम फॉल्ट के नियरली हम इसको मतलब वैसे तो हम कहीं भी इसको टैप कर सकते हैं, क्योंकि जो मेंटल या कोर में हीट तो हर जगह है, बट फॉल्ट्स के पास ज़्यादा आसानी से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कम डेप्थ पे ही ज़्यादा टेम्परेचर हमें मिल जाता है, तो ईजी रहता है उसको हार्नेस करने के लिए। और जो भी ड्रिलिंग का जो यूज़ है वो ऑलरेडी ऑयल इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, तो ये जो सेम टेक्नोलॉजी है ऑयल इंडस्ट्री की ड्रिलिंग का, उसका हम यूज़ कर सकते हैं लैंड में ड्रिल करने के लिए, हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम जियोथर्मल एनर्जी के वेरियस टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें जो भी जियोथर्मल एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे इसके अवेलेबिलिटी के, एंड जियोथर्मल प्लांट डिज़ाइन के वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से अलग अलग तरीके से हम प्लांट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि अर्थ का जो कोर के एलिमेंट्स हैं, जो हमने आयरन निकल देखा है, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। हमने देखा है कि वहाँ का टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पे कोई भी मेटल वो बॉयल हो जाएगा या फिर लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये सॉलिड स्टेट में इसलिए होता है कि वहाँ पे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्रेशर से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स पास में रहते हैं और ये मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक। तो इसके जो भी प्लांट डिज़ाइन होता है जियोथर्मल का, उससे पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, मीन्स एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना पड़ता है बेटर लोकेशन प्लांट के लिए। बेटर लोकेशन क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ फाइंड करते हैं कि मतलब किस डेप्थ पे कितना टेम्परेचर है, और जनरली हम वो लोकेशन चूज करते हैं कि कम डेप्थ पे हाई टेम्परेचर हो, ठीक। जैसे एक एग्जांपल है, इंडिया में इस पे ज़्यादा काम हुआ नहीं है बट स्टार्ट हो रहा है, ये टाटा पानी है जो कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़, ठीक। और ये जो प्रोस्पेक्टिंग होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, वो लो डेंसिटी रीजन भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो इसका यूज हम ड्रिलिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर लो डेंसिटी होगा लैंड तो वहाँ पे ड्रिलिंग इजी होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो जियोथर्मल एनर्जी का जो कॉस्ट होता है उसका 40% एक्सप्लोरेशन में लग जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 60% बाकी जो ड्रिलिंग और उसको हार्नेस में लगता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, ये इतना परसेंट सिर्फ एक्सप्लोरेशन में लग जाता है। कुछ लार्ज प्लांट्स हैं, एक ये गेजर्स जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स है कैलिफोर्निया में, जो 1500 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसमें और ये है कि टॉप 10 हैं वो फिलीपींस में 3 हैं, जो टॉप 10 जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स हैं वो फिलीपींस में 3 हैं, यूएस इंडोनेशिया में 2 हैं, एंड मैक्सिमम इटली और आइसलैंड में 1-1 हैं, ठीक। एक्चुअली अब हम देखते हैं कि वेरियस टाइप्स के स्टीम, जो कि एक्चुअली हम क्या करते हैं कि वाटर को हम इंसर्ट करते हैं अर्थ में, अब वहाँ से हमें स्टीम जनरेट होती है। इस स्टीम का यूज करते हैं हम हीट इंजन को रन करने के लिए, ठीक है, टरबाइन को रन करने के लिए। तो वेरियस टाइप्स अब लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे कैसा स्टीम जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से वेरियस टाइप्स ऑफ स्टीम होते हैं।
तो वेरियस इस टाइप का टाइप ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ते हैं और उस टाइप की स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करेंगे वो पढ़ते हैं। तो जिसमें जो फर्स्ट है वो है सुपर हीटेड स्टीम। ये सुपर हीटेड स्टीम वो स्टीम होता है जिनका जो टेम्परेचर होता है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग है तो इसका टेम्परेचर सपोज 250 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस तरीके से। तो ये ऐसे लोकेशन फाइंड करना रेयर होता है जहाँ पे डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम मिले। इसको इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये सुपर हीटेड स्टीम का यूज करके हम डायरेक्टली टर्बाइन को रन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए टर्बाइन। इसमें हम क्या करते हैं कि कंडेंसर का यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कंडेंसर का यूज़ क्यों करते हैं और इसमें कैसे हार्नेस करते हैं इसको। तो बेसिकली क्या करते हैं हम कि इसमें हम वाटर इंजेक्ट कर देते हैं डीप बिलो और फिर यहाँ पे ये इंजेक्शन वेल है, ये प्रोडक्शन वेल है। तो हम सुपर हीटेड स्टीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम आती है, ठीक, फ्लो करता है ऊपर। तो हमने देखा है कि सुपर हीटेड स्टीम का हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली टर्बाइन को रन करने के लिए। तो इसका हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली हम टर्बाइन को रन करने के लिए, इससे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है, ठीक। बट इसके जो भी वाटर इसका बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम डायरेक्टली फिर अर्थ के बीनीथ में नहीं डालते हैं, इसको पहले कंडेंसर से पास करके डालते हैं। कंडेंसर में क्या होता है कि यहाँ पे ये सुपर हीटेड स्टीम है तो कंडेंस करता है, उसको ठंडा करता है। तो जैसे यहाँ पे स्टीम है तो ये बहुत ही कम टाइम में लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टीम का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है और कंडेंस कर हम ठंडा कर रहे हैं तो ये लिक्विड में चेंज होता है। तो इसका स्टीम का वॉल्यूम ज़्यादा है लिक्विड से तो तुरंत क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। मतलब हम देख रहे हैं कि कंडेंसर का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट होता है तो क्या करता है कि ये और तेज़ी से इस स्टीम को खींचता है अपनी तरफ, इससे ये टर्बाइन और भी तेज़ी से मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ईजी होता है, इसलिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं, ठीक। फिर जो सेकेंड टाइप ऑफ स्टीम है वो सैचुरेटेड स्टीम है। इस स्टीम का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के आसपास होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका 95 या 105 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये जनरली हम जो सुपर हीटेड स्टीम है उससे ये ज़्यादा हमें पाया जाता है, मिल जाता है। बट इसमें क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास इसका टेम्परेचर होने से इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें बनते हैं जो कि टर्बाइन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि दो तरीके हैं हम इसको जनरली हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है कि इस सैचुरेटेड स्टीम को ये टर्बाइन को डैमेज कर सकता है, तो हमारा टारगेट है कि इसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना पहले एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो एक तरीका तो हीटिंग हो सकता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है ही, थोड़ा सा और इसको हीट कर देंगे तो 150 या 200 आ जाएगा तो सुपर हीटेड बन जाएगा। तो ये अपर वाले मेथड से उसको हम हार्नेस कर लेंगे। लेकिन हीटिंग से क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये रिमोट एरिया में है, ठीक है, तो जो भी हीटेड वाटर है जैसे कोल है उसको बहुत दूर से वहाँ पे लाना पड़ेगा। हीटिंग एलिमेंट है जो भी हम चीज़ यूज़ करना है हीट करने के लिए उसको काफ़ी दूर से लाना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम हीटिंग का यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, या तो एक तरीका है कि इसका बॉयलिंग टेम्परेचर कम कर दो। तो जैसे ही प्रेशर कम करेंगे तो जो वाटर है सपोज इसका बॉयलिंग पॉइंट जो डिक्रीज होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो टेम्परेचर है 100 तो यही टेम्परेचर अब सुपर हीटेड टेम्परेचर बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फ्लैशिंग बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका ये प्रोसेस है, सेम है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लैश टैंक का यूज हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रोडक्शन सेल से वेल से हम सैचुरेटेड स्टीम लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसके प्रेशर को डिक्रीज करते हैं जिससे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसका यूज करते हैं हम टर्बाइन को रन करने के लिए एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक। उसके बाद जो थर्ड टाइप होता है वो हॉट वाटर होता है, ठीक है। अब हमारे पास स्टीम भी नहीं है, सिर्फ हॉट वाटर है, तो ये मेनी प्लेसेस पे यही पाया जाता है, ठीक है।
तो जनरली इसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो एक्चुअली हमने ओटीईसी में देखा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, तो वही मैकेनिज्म का यूज करके हम इसे हार्नेस कर सकते हैं। या फिर अगर जियोथर्मल का इस तरीके से बात करें तो हम बाइनरी फ्लूइड साइकिल का यूज करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे बुटेन है जिनका बॉइलिंग पॉइंट -1, मतलब कोई भी एलिमेंट का यूज कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वाटर से। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हॉट वाटर है उस हीट से ही ये एलिमेंट बॉयल हो जाएंगे, और इनके बॉयल होने से अब वाटर डायरेक्टली स्टीम डायरेक्टली नहीं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो टरबाइन को रन कराएंगे एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये कैसे होता है, सिंपली यहाँ से हॉट वाटर गया, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर होता है और ये जो एलिमेंट्स हैं बुटेन वो यहाँ पे होते हैं, वो कोल्ड होते हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, तो इससे वो हीट एक्सचेंज कर लेते हैं, वाटर से हीट इनके अंदर आ जाता है तो ये गर्म हो जाते हैं काफ़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज करते हैं हम टर्बाइन को रन करने के लिए एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो कंक्लूजन क्या है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो अवेलेबल है डिफरिंग लेवल ऑफ हीट के हीट पे, कहीं पे ज़्यादा हीट है कहीं कम हीट है रिलेटिवली डेप्थ पे। फिर क्या है कि ये इनका जो जियोथर्मल प्लांट्स हैव टू बी डिज़ाइन टू अकाउंट फॉर द डिफरेंट प्रीवेलेंट कंडीशंस, मेनली जो कंडीशंस है वो इफिशियंसी है एंड लाइफ ऑफ टर्बाइन है, मतलब कंडीशंस ऐसे होना चाहिए कि मतलब इफिशियंसी भी इंक्रीज हो और जनरली टर्बाइन का डैमेज ना हो। ठीक है, फिर इस वीक के लेक्चर 4 में हम बायोमास यूसेज एंड इशू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोमास क्या होता है, ठीक है, बायोमास क्लीन है कि नहीं, रिन्यूएबल तो है बट क्लीन है कि नहीं, इस बारे में देखेंगे और डिफरेंट अप्रोच हम देखेंगे, जो भी बायोमास का यूज़ हो रहा है उसके डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे। तो पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कुछ। तो जो पावर कंपनीज हैं वो अब डाइवर्ट हो रही हैं, मतलब अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रही हैं फॉसिल फ्यूल, मतलब कोल का यूज करते आ रहे हैं बट ये अब ख़त्म होने वाला है कुछ टाइम में, तो अल्टरनेटिव वो सोर्सेज फाइंड कर रही हैं, तो इसका बायोमास एक अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली कंट्रीज के टारगेट हैं परसेंटेज, मतलब उनका जो टोटल एनर्जी जो प्रोडक्शन है तो उसमें कितना वो रिन्यूएबल कला रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन का टारगेट है 20% 2020 तक, इंडिया का टारगेट है 40% 2030 तक और यूएस का भी टारगेट है 20% 2020 तक। ठीक है, बेसिकली तो बायोमास होता क्या है, जो भी प्लांट मैटर होते हैं अगर उससे हम फ्यूल डिराइव कर रहे हैं तो वो बायोमास होता है। जनरली इसको क्लीन और रिन्यूएबल कंसीडर करते हैं, बट रिन्यूएबल तो है बट क्लीन के बारे में हम काफ़ी आगे पढ़ेंगे कि क्या और भी इसमें हो सकता है। ओवरव्यू देखते हैं बायोमास का। तो ये वर्सेटाइल है, मींस ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, ये सॉलिड में अवेलेबल है, लिक्विड और गैस में अवेलेबल है। तो जनरली गैस का यूज़ करते हैं हम हाउस होल्ड में, लिक्विड का ऑटोमोटिव में, सॉलिड का पावर प्लांट में। ठीक, सेकेंड क्या है कि ऑलरेडी हम 10% जो भी वर्ल्ड एनर्जी यूसेज है, जो डिमांड है, उसका हम 10% बायोमास से कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो भी ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल जो वुड गैदरिंग है टू लार्ज जो फार्मिंग प्रोसेस है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं और ये सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब 10% एनर्जी यूसेज एनर्जी डिमांड को जब कंप्लीट कर रहा है तो ये एम्प्लॉयमेंट करा रहा होगा। नाउ बायोमास एग्रीकल्चर होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मर्स होते हैं, जो भी कॉर्न होता है उसका वो यूज़ करते हैं एथेनॉल को जेनरेट करने के लिए। तो ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ये हो सकता है, मतलब कॉर्न को डायरेक्ट वो सेल ना करके एथेनॉल को सेल करें, अगर एथेनॉल को सेल करने में मतलब अगर इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये फूड सोर्स से कंपटीशन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर एथेनॉल से अगर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो मतलब कॉर्न को वो कंपनीज को दे दें एथेनॉल मतलब क्रिएट करने के लिए, इससे फूड सप्लाई कम हो जाए, तो ये थोड़ा सा बेटर तरीका नहीं है। बेटर तरीका है कि बायो वेस्ट का अगर हम यूज करें इसके लिए तो ये बेटर तरीका है। ठीक है, जो कि फूड सप्लाई को वेस्ट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। तो जैसे स्ट्रा है, ठीक है, ये क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या फिर ऑफन बायो प्रोडक्ट होता है, जो भी वेरियस एग्रीकल्चरल
ऑपरेशंस होते हैं उसका बाय प्रोडक्ट होता है ये स्ट्रा। तो ये जो भी ग्रेन प्रोडक्शन है उसका जो 40% वेट होता है वो हमारा स्ट्रॉ ही होता है। तो ग्लोबली बिलियन ऑफ टन्स प्रोड्यूस होता है बट 100 मिलियन टन इसका हम प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर अच्छे से इसका यूज़ कर पाते हैं। बाकी क्या करते हैं कि हम ओपन एयर में इसको बर्न कर देते हैं या फिर इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। नाउ यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के टाइम में जो भी यही जो बर्निंग की बात कर रहे हैं इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूशंस की बात करें कि अगर हम बायोमास में देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। हमने देखा है कि बायोमास तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस में बायोमास में क्या उसका सब्स्टिट्यूट है। तो जैसे कोल है तो इसमें हम वुड का डायरेक्ट कमीशन कर सकते हैं। ये कोल है तो डायरेक्टली इसको हम ना कंबसन करके हम इसको एब्सेंस ऑफ एयर में वुड को हीट कर सकते हैं जिससे वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाए, जिसका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो ट्वाइस होता है पर यूनिट मास से। पेट्रोल के जगह पे हम एथेनॉल का यूज कर सकते हैं, डीजल के जगह पे हम बायोडीजल का यूज कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं जैसे बेसिकली ये है कि इन प्लेस पे मतलब पेट्रोल, डीजल, कोल या नेचुरल गैस जो अभी जिनका हम यूज कर रहे हैं अगर इसका अगर हम सब्स्टिट्यूट अगर हमें फाइंड करना है बायोमास में तो क्या हो सकता है। तो नेचुरल गैस का सब्स्टिट्यूट बायोगैस या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है। ये बायोमास इलेक्ट्रिसिटी में टॉप 10 नेशंस हैं, गीगावाट आवर में इसका एनर्जी है। टॉप पे यूएस है, फिर चाइना, फिर जर्मनी, ब्राज़ील, यूके एंड इंडिया छठे पे है 25,000 गीगावाट आवर के साथ। ठीक, अब इंडिया में क्या है कि टॉप जो 10 स्टेट्स हैं बायोमास कैपेसिटी में ये मेगावाट में है, उसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक, तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो जो हमारे कंट्री का जो 30% एनर्जी डिमांड है वो बायोमास से पूरा होता है जो कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 5940 मेगावाट बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। नाउ इतने उसमें से ग्रिड कनेक्टेड हैं एंड इतने ऑफ ग्रिड पावर प्लांट्स हैं। तो ये बैगेज होता है एक्चुअली इसका हम मोस्टली यूज करते हैं। एक्चुअली जो शुगर केन होता है उससे जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी फाइबर्स रिमेन होता है उसको हम बैगेज बोलते हैं जो कि मेजर पार्ट होता है इसका जो भी हमारे प्रोडक्शन है कंट्री का बायोमास का उसमें इसका मेजर पार्ट है। तो अब देखते हैं कि क्या बायोमास क्लीन है। तो कुछ लोग मीन्स अगर हम ट्रीज को बर्न कर रहे हैं तो उससे काफ़ी अमाउंट में CO2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसे तो हम कह सकते हैं बायोमास क्लीन नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सपोज यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो ट्री अपने लाइफ टाइम में जितना भी CO2 लिया हुआ होता, ये लोग कहते हैं कि जितना भी CO2 इसने अपने लाइफ टाइम में लिया होता है वही तो जलने के बाद CO2 ये वापस कर देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ट्री 50 या 100 ईयर्स तक CO2 लेते हैं बट इसको हम एक घंटे में ही जला देते हैं, मतलब इतने कम टाइम में ही हम इतना ज़्यादा CO2 को एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। तो ये टाइम स्केल वाली प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि CO2 के अलावा भी अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको जलाने से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ है जो स्क्वायरल हैं, बर्ड्स हैं, उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक्चुअली वेरियस इसमें वो हैं, कुछ लोग मानते हैं क्लीन है, कुछ लोग मानते हैं क्लीन नहीं है। ठीक, तो यही जो टाइम स्केल की बात मैंने की थी कि ट्री का जो 50 ईयर्स में जितना ये ट्री CO2 एब्जॉर्ब करता है उतना हम एक घंटे में इसको बर्न कर देते हैं। तो ये एक्चुअली इशू है। तो मैं यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भी नेचुरल प्रोसेस है ट्री में कुछ और भी हैपन हो सकता है एक्चुअली इसका। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसके साथ जो भी और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैपन हो सकती हैं कि मतलब CO2 के साथ CO या फिर सल्फर ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम कोल की
कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो वो 25 मेगाजूल पर केजी होती है, वहीं वुड की 15 मेगाजूल होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर केजी में यहाँ का इसकी इफ़िशेंसी कितना कम है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 1 केजी कोल के जितना अगर हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम 1.6 केजी वुड को जलाना पड़ेगा। कि तो यहाँ पे क्या होगा कि 60% मोर CO2 हमको हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो और लार्ज अमाउंट ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़ भी साथ में। तो इसका कंक्लूजन ये है कि एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम प्लांट और प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स इज रिफर टू एज बायोमास एनर्जी, हमें पता है। नाउ जो जो कार्बन न्यूट्रलिटी है वो एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है स्टीम करना, जैसे कि हमने प्रीवियसली एज्यूम किया था वैसा नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एस्टिमेट करना कार्बन न्यूट्रलिटी की। ट्री जितना देते हैं उतना मतलब जितना लेते हैं लाइफ टाइम में उतना ही, लेकिन वो इशू है कि 1 आवर में ही उतना ज़्यादा वो रिलीज हो जाता है। नाउ ये थर्ड है कि प्लांट प्रोडक्ट्स कैन बी डायरेक्टली यूज टू फ्यूल पावर प्लांट्स और कन्वर्टेड टू पेट्रोल और डीजल। इसका मतलब ये कि प्लांट प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पावर प्लांट में, या फिर उसको पेट्रोल या डीजल में हम कन्वर्ट करके उसका फिर यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।